कोठरा के शासकीय विद्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर खराब मिठाई वितरण करने और बांस की लकड़ी में ध्वजारोहण करने पर ग्रामीणों ने विद्यालय में एकत्रित होकर नाराजगी जताई। देवास जिले के कन्नौद विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम कोठरा के शासकीय एकीकृत शाला माध्यमिक विद्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर बच्चों को खराब मिठाई नुक्ती वितरित करने और जीर्ण शीर्ण व बगैर पोते स्टैंड पर बांस की लकड़ी में ध्वजारोहण करने की बात को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नाराजगी जाहिर की। इसकी जानकारी मिलने पर हलका पटवारी जितेंद्र मंडलोई और मीडिया कर्मी भी पहुंच गए। विद्यालय में बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को वितरित की जाने वाली नुक्ती खराब है तथा ध्वजारोहण का स्टैंड बुरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो रहा है, इस पर बांस की लकड़ी में ध्वजारोहण किया गया है। इतना ही नहीं, उक्त विद्यालय में बच्चों के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है तथा पीने के पानी की व्यवस्था न होने से स्कूल में पढ़ाई करने आने वाले बच्चों को परेशानी होती है। मिडिल स्कूल परिसर एवं उसके आसपास में घनी झाड़ियां हो रही हैं, जहां पर बच्चों को जहरीले जानवरों के काटने का हमेशा डर सताता रहता है। विद्यालय के कमरों का फर्श कई जगह से उखड़ा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा विद्यालय की खराब मिठाई वितरण करने और बांस की लकड़ी में झंडा बंधन करने के मामले में उचित जांच कर योग्य कार्रवाई करने और विद्यालय में व्याप्त अन्य अव्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की गई। इस अवसर पर ग्रामीण नवाब खान, हबीब खान, रवि तंवर, रईस शहजाद, मनीष तंवर, अनिस सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। संबंध में उक्त विद्यालय के हेडमास्टर आजाद बनारसी ने बताया कि बच्चों को वितरित की गई मिठाई खराब होने की मुझे जानकारी नहीं है, इसकी जांच करा ली जाएगी तथा झंडा स्टैंड किसी व्यक्ति ने तोड़ दिया था, इसलिए हमने बांस में झंडा वंदन किया है, बाद में इसको सुधरवा दिया जाएगा। भैया आपका? मेरा नाम रईस खान। क्या हो गया भैया, स्कूल भीड़ क्यों लग रही है? स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं जो इसमें गड्ढे हो रहे हैं। अच्छा। और शिक्षा में बड़ी लापरवाही चल रही है। अच्छा। शौचालय में गंदी वाड़ा हो रहा है, ढेर हो रहा है। यदि अगर कोई बच्चे को कीड़ा काटा ने अगर काट लिया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ प्रशासन और यहाँ के जो टीचर अधिकारी है, इस बात को ध्यान में हमने कई बार जानकारी दी, लेकिन ये लापरवाही वापर रहे, इसमें ध्यान नहीं देते, स्कूल ध्यान नहीं दे रहे। सुबह झंडा बंधन करा तो ग्रामीणों को ना मिठाई बांटी, मिठाई के लिए ग्रामीण आया तो बोले मैं आज विवाद क्या हुआ है, भीड़ क्यों लग रही, क्या मामला है? सर ये इसलिए हुआ कि आज जैसे हम ग्रामीण होना आए, ग्रामीण होने जैसे आए वैसे हमने मिठाई की तो मिठाई के लिए मना कर दिया। बच्चों को मिठाई नहीं बांटी, ऐसा कहना? बच्चों को तो बांटी, ग्रामीण जो है उनके लिए पहले की नहीं है। अच्छा। फिर जब मिठाई थी तो उसमें तेल चढ़ा हुआ पाया। मिठाई का बदबू मार रही थी क्या? हाँ, बदबू मार रही थी। और दूसरी बात ये है कि स्कूल का जो झंडा बंधन करा, हाँ, उसके नीचे ना तो पुताई करी ना साफ सफाई की व्यवस्था करी, गंदगी की जगह पे हुआ क्या? गंदगी की जगह पे। और दूसरी बात, लेटरिन बाथरूम में घुटने घुटने टेर हो रहे हैं। ये मिडिल स्कूल है, इसमें 8 साल 9 साल 10 साल की बच्चे पढ़ती है, हाँ, वे कहाँ जाती है बाथरूम? पानी की व्यवस्था नहीं है, नल के पास एक एक घुटना घुटना टेर हो रहा। और दूसरी बात, बच्चे इनके बिल्कुल पढ़ने में लापरवाही है, टाइम पे स्कूल खुल नहीं रही है। अरे स्कूल का अध्यक्ष कौन है, बना हुआ? गांव वाले जो आरोप लगा रहे हैं झंडा वंदन साफ सुथरी जगह पे नहीं हुआ है और जो मिठाई वितरण करी उसमें बदबू आ रही है, आपका क्या कहना है? वैसे तो हमारे नॉलेज में इस चीजें नहीं है, हमने भी टेस्ट किया और सैंपल तो रैंडम सैंपल के लिए आपको उपलब्ध करा रहे हैं, आप उसकी जांच कर लीजिए और जो अगर गलत पाएगा तो कार्रवाई कीजिए। हाँ, जैसे झंडा बांस में लगा दिया है और वो पुता हुआ नहीं है, झंडा का जो स्टैंड है ये है सर कि हमारा झंडा इसमें सर कोई ग्रामीण ने ट्रैक्टर रात में हाइड्रोलिक सूत्र तोड़ दिया झंडे को, फिर हमने उसको सीधा कराया, व्हीकल व्यवस्था पर हमने बांस की व्यवस्था करी, आने वाले टाइम उसको मुकम्मल सीजन में हमने धारा को साफ सुथरा किया है। अच्छा। रेड सीजन के बाद हम उसको व्यवस्थित पुताई करवाएंगे, ये हमारा खेल है। ठीक है सर, आपका पद और नाम सर? आजाद खान बनारसी जी, अध्यापक माध्यम विद्यालय कोठा। ठीक है सर, आज क्या मामला है, किस मामले में आप आए हैं यहाँ पर? जी मैं यहाँ झंडा बंधन में कुछ समस्या हुई थी, उसके संबंध में ग्राम कोठवा द्वारा मुझे सूचना दी गई थी जी कि यहाँ पे जो लड्डू बांटे जा रहे हैं झंडा बंधन के पश्चात, उसमें उसी क्वालिटी में खराबी है, अच्छे क्वालिटी की नहीं है जी। इस बाबत में आज उपस्थित हुआ। झंडा ध्वजारोहण को लेकर भी शिकायत है गाँव वालों की? हाँ, ध्वजारोहण में भी बताया गया है ग्रामीण जनों द्वारा कि साफ सफाई नहीं रखी गई है जी। और जहाँ पे झंडा बंधन करते हैं उस स्टैंड को बताया नहीं गया है। बांस में झंडा बंधन हुआ है क्या सर? सर मेरे द्वारा देखने पे तो नहीं पाया गया, पर ग्रामीण जन द्वारा बताया गया। नहीं, बांस में जो अभी फिलहाल में जो फहराया जा रहा है झंडा, वो आपने देखा कहीं पे लगा हुआ? नहीं नहीं देख पाया सर, क्योंकि मैं अपने झंडा बंधन में था तहसील में जी जी, और यहाँ पे मुझे चौकीदार द्वारा बताया गया जी जी ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं, बाहर ही आप जब बैठे आपकी दीवार के पीछे झंडा बंधन हुआ, आपने देखा नहीं अभी? देखा, पर वो अभी स्टैंड में लगा हुआ है, स्टैंड में बांस की लकड़ी बंधी हुई है। हाँ, ऐसा है ना सर? आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र मंडलोई, पटवारी। ये स्कूल कौन सा है सर?
सर ये प्राइमरी स्कूल है और ये जो एक इधर शाखा है जी, दोनों माध्यमिक और प्राइमरी दोनों का एक झंडा बनेगा। ग्राम रामपुर। ठीक सर, धन्यवाद। कन्नौज से आशिक माचिया की रिपोर्ट।